हांडी वगैरह रखी हुई है। रात के समय का यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो लोगों ने भूताहा बताया है, आवाजें सुनी है कई लोगों ने यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रम और आज मैं अपनी इस खोज के अंदर लखनऊ के बटलर पैलेस में आ चुका हूँ। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि रात के समय में यहाँ पर अजीब गरीब आवाजें सुनी हैं लोगों ने और इसको भूताहा स्थान के साथ में जोड़ा है। लेकिन दिन के अंदर इसका कैसा माहौल है वो मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ, ताकि जब हम यहाँ पे रात में आएंगे तो उन आवाज़ों को खुद से महसूस करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक जब दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसको भी आप लोग देखिएगा। दिन का इसका जो नज़ारा है वो हम इनकी झाड़ियों के साथ में यहाँ बने हुए बाहरी हिस्से से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इस पूरे के पूरे परिसर में चारों तरफ जहाँ भी आपकी निगाहें जाएंगी वहीं पर आप लोगों को झाड़ फूस पेड़ पौधे दिखाई देने वाले हैं, और इस बात से साफ साफ पता लगाया जा सकता है कि लंबे अरसे से यहाँ की सफाई पर ध्यान शायद नहीं दिया जा रहा। ये है बटलर पैलेस, बटलर हाउस, और इस हाउस के अंदर जाने का जो एक सही रास्ता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला। यानी कि इसके अलावा कोई इसका कोई ऐसा पक्का रास्ता नहीं है जिसकी मदद से हम अंदर जा सकते हैं, तो मैं आप लोगों को आगे लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको वहाँ का बिल्कुल बारीकी के साथ में चित्रण पेश कर सकूँ। यहाँ पर इस बटलर हाउस का कुछ एक खंडर अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं और आगे की तरफ कदम रखने पर एक काफ़ी विशाल हमें पीपल का पेड़ भी दिखाई दिया है, और इसी पीपल के पेड़ के आसपास वाले हिस्से में जब हम देखते हैं तो कुछ यहाँ पर हांडी वगैरह रखी हुई है और कुछ यहाँ पर मूर्ति वगैरह भी रखी हुई है। ये इस बटलर पैलेस के बाहर का हिस्सा है। इधर एक कमरा है और यहां से हम लोग अंदर की तरफ जा पाएंगे। बात है ये 1915 के समय की, जब राजा महमूदाबाद के द्वारा इस बटलर पैलेस को बनाना शुरू करवा दिया गया था, और ऐसा कहा गया था उस समय कि इस प्रकार के 3 पैलेस बनवाए जाएंगे। लेकिन 1921 में गोमती नदी के अंदर एक बाढ़ की वजह से केवल 1 पैलेस बन पाया, जो आज काफ़ी ज़्यादा वीरान, खंडहर और सुनसान हम लोगों को मालूम पड़ता है। इसका बाहरी हिस्सा जो आप लोगों को आज जितना भी दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा हिस्सा आज इस जंगली एरिया के बीच में बन चुका है। आपको मैं बता दूं कि इस पूरी कॉलोनी का नाम जो बटल कॉलोनी है वो इसी पैलेस की वजह से रखा गया था। अभी मैं आप लोगों को इसके अंदर का दृश्य भी दिखाने जा रहा हूँ। अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो हम लोगों को सबसे पहले इधर एक कक्ष दिखाई देगा। इस वाले हिस्से में ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां इस पूरे पैलेस के चारों तरफ बनी हुई हैं, और इस पैलेस की जो मेन एंट्री गेट था वो किसी समय ये वाला रहा होगा। थोड़ा सा हम आगे की तरफ आते हैं, यहाँ वाले हिस्से में भी एक गेट बना हुआ है, ये बंद है आज। और इस पूरी छत का नज़ारा आप लोग देख लीजिए, राजपुताना शैली के ऊपर बनवाया गया लखनऊ का एकमात्र ऐसा पैलेस। इसमें प्रवेश करने पर हम लोगों को एक काफ़ी विशाल ये लकड़ी का गेट दिखाई दे रहा है, और इस लकड़ी के गेट का जो पूरे का पूरा हिस्सा है वो आज तोड़ दिया गया है। यहाँ के शीशे
निकाल लिए गए हैं। ये उनका एक बड़ा कक्ष कमरा था और ये वाला जो हिस्सा है ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बना है, लेकिन इसे बोला जाता है चिमनी। यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो हमें होल दिखाई देगा, सर्दी के समय में लकड़ी वगैरह जलाने के काम ये आता था। यहाँ देखिए इस पूरे के पूरे पैलेस के शीशे तोड़ दिए गए हैं, इसको आज के समय में खंडहर बना दिया गया है। अब मैं आप लोगों को इस पूरे के पूरे पैलेस के वो सारे कमरे कक्ष दिखाऊंगा जो किसी समय यहाँ पर एक रौनक के साथ भरे हुए थे। और ये पूरे का पूरा जो पैलेस है वो बनाया गया था डिप्यूटी कमिश्नर स्पेंसर बटलर के लिए, उनका एक निवास स्थान ये हुआ करता था। और अब हम यहाँ पर हर एक हिस्से को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ये इसका एक काफ़ी विशाल कक्ष है, बड़ा रूम है, जहाँ पर इसकी जो हालत है वो आज इस तरीके की दिखाई दे रही है। देखिए कमरे के अंदर कितना सुंदर ये आर्च बनाया गया है। और हम लोगों को यहाँ पर देखो दीवारों के अंदर फिटिंग भी दिखाई दे रही है, ये तार यहाँ पे काट दी गई है कनेक्शन के लिए, नीचे भी फिटिंग का काम करवाया गया होगा। ये वाला जो पोर्शन है ये शायद मेरे ख्याल से चाबी वगैरह टांगने के लिए रहा होगा, किसी समय यहाँ पे ऑफिस भी चला करता था, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये वाला जो हिस्सा है वो टॉयलेट के लिए यूज़ किया जा रहा होगा। यहाँ पर अंदर के हिस्से को हम देखते हैं, ये देखिए इसका हाल। यहाँ आइए, ये इस पूरे हिस्से को पहले आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा इसकी जो हालत है वो बदहाली में तब्दील हो चुकी है। और ये राजा का जो पैलेस था वो आज इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इन पॉइंट से तो हम यही पता लगा सकते हैं कि ये उनका एक टॉयलेट रूम रहा होगा। इस पैलेस के अंदर समय समय पर अलग अलग विभाग भी खुले हैं जिन्होंने इस पैलेस को अपने हिसाब से चेंज करवाया है। ये इसकी गैलरी, बाहरी हिस्सा और ऊपर का डिजाइन देखो दीवार का, कितना सुंदर एक कोना दिया गया है दीवार को। किसी समय इस वाले हिस्से में मिरर ग्लास प्रॉपर लगे हुए थे लेकिन आज ये सारे के सारे टूट चुके हैं। और यहाँ पर ये दूसरा कक्ष, ये देखिए कितनी लंबी गैलरी है, ये है यहाँ की सबसे लंबी गैलरी, प्रमुख हिस्सा इसका। इसको हम एक बार आगे तक देखते हैं। और ये कमरा आप देख सकते हैं नीचे की तरफ काफ़ी सारे गेट हैं जो इकट्ठे करके रखे हुए हैं, जो यहाँ पे कभी लगे हुए थे। इस पूरे कमरे को देखकर तो यही एहसास होता है कि ये पूरे का पूरा पैलेस किसी समय बहुत अच्छे तरीके से चला करता होगा, लेकिन आज इसकी जो हालत है वो बिल्कुल बदहाली में तब्दील हो चुकी है। ये वाला हिस्सा, ये भी सेम वही बाथरूम वॉशरूम ही है जैसा वहाँ बना हुआ था, क्योंकि इस पैलेस में चार कॉर्नर हैं, चार पिलर हैं, उन्हीं पिलर में से एक पिलर में यहाँ पे भी वॉशरूम बनाया गया है। और इस कक्ष से हम आगे निकलते हैं, नीचे देखिए कितनी गंदगी है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के यहाँ पे चार गेट है चारों दिशाओं के अंदर। जब राजपुताना शैली को यहाँ पर फॉलो किया गया था तो उसी के बेस पर पूरे का पूरा हिस्सा बनाया गया होगा। यहाँ पर ये मीटर भी लगा हुआ है, ये तो खैर वर्तमान समय का, उस समय का इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। इस कमरे में आइए,
नीचे कांच थोड़ा आराम से पैर में लग ना जाए। ये देखिए लकड़ी का फ्रेम कितना बेहतरीन बनाया हुआ है, देखते ही इसकी सुंदरता का आज पता लग रहा है हमें। सेम यहां पर ये कक्ष, इंशाल्लाह आप ये कह सकते हो दोस्तों बड़ा ही शानदार और जबरदस्त बनाया गया था बटलर हाउस। अब मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा इसके ऊपरी हिस्से में भी।